नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। घर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उनकी देखभाल के साथ साथ पूजा भी की जाती है। घर में लगी तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से उसे पानी देना भी जरूरी होता है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के कारण तुलसी के कुछ नियम हैं, जिनके अनुसार कुछ दिनों में तुलसी में पानी देना और पौधे को छूने की मनाही होती है। आइए जानते हैं कि कब कब और क्यों तुलसी को ना तो पानी देना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। हर माह की एकादशी की तिथि को तुलसी के पौधे को ना तो पानी देना चाहिए और ना ही उसे स्पष्ट करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल डालना या पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। पौधे में जल देने में माता तुलसी के व्रत खंडित होता है, इसीलिए जल नहीं देना चाहिए। तुलसी के पौधे को हर रोज जल देना और उसकी पूजा का विधान होता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे को छूना या पत्ते तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में अगर रविवार के दिन कोई माता तुलसी को जल चढ़ाता है तो उनका व्रत भी खंडित हो जाता है। मंगलवार को तुलसी के पौधे में जल देने से भगवान शंकर नाराज होने का भय होता है, इसीलिए रविवार मंगलवार को भी तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।